नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव अब आने ही वाले हैं। इस बीच सारी पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी पार्टियों के जीतने के लिए नई नई रणनीतियां बनाई है। भाजपा पार्टी ने तो इस बार अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारने तक की बात कर दी। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान में पूरा मन बना लिया। इसी बीच कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो वहीं कुछ नेता इस बार चुनाव लड़ने के लिए खुद खड़े न होकर अपने बच्चों और अपने बीवियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो क्या इस बीच राहुल गांधी को एक बड़ा झटका मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए इस बार जो है स्पीड बढ़ा रही थी, लेकिन इस तरह के बयान आने के बाद से, इस तरह की जानकारी आने के बाद से उसे एक तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं भाजपा पार्टी की अगर बात करें तो भाजपा पार्टी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी इस बार हिंदू संगठन के साथ मिलकर बड़ा खेल खेल देगी। यहीं इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, देखिए जरा वो रिपोर्ट। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले उम्रदराज नेताओं के चुनावी मैदान से हटने के मुद्दे पर नेताओं के बीच खुलकर मतभेद सामने आ गया है। कांग्रेस नेता दो खेमे में बंट गए हैं। सचिन पायलट खेमे के एक मंत्री और विधायक चुनाव से नहीं लड़ने का घोषणा जो है वो कर चुके हैं। उधर सीएम अशोक गहलोत खेमे के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने चुनाव से हटने का इनकार कर दिया है। कुछ बुजुर्ग नेता अपने बेटी बेटियों को टिकट देने की शर्त लगा रहे हैं। पायलट समर्थक विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शेखावत ने कहा, अब मैं 3-4 महीने एमएलए हूं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, हेल्थ को देखते हुए मैंने ये फैसला किया है, मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। समर्थक दोबारा जिताने का प्रयास कर रहे थे, प्रचार के लिए चुनाव कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव में खड़ा ही नहीं होना तो उसे कैसे जिता देंगे। दीपेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके। वहीं उमर दराज नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, कोई तैयार होगा तो सीट छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ, उसे तैयार करना पड़ेगा। मेरे सामने तो बीजेपी से लड़ने वाला ही उम्मीदवार नहीं है, मेरा मैदान बिल्कुल साफ है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा और मैं विनिंग कैंडिडेट भी हूँ और मैं इन सब के सामने काम कर रहा हूं। तो देखा आपने, तो क्या इस बार राहुल गांधी को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का सूपड़ा साफ हो जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी को इस बार सांसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से राहुल गांधी खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या चुनाव लड़ने के लिए उनकी सदस्यता वापस आएगी? क्या वह इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ पाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के साथ।